बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरे मामले में खामोश है, जबकि उसने राज्य इकाई और तमाम सहयोगी सवाल जवाब जरूर कर रहे हैं। मसरत आलम को तुरंत जेल भेजने की मांग की गई है तो पार्टी के सहयोगी अब तीखा प्रहार कर रहे हैं। जिस समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए 2 महीने तक विचारों का मंथन चलता रहा, वो सरकार बनने के 6 घंटे के अंदर ही सवालों के घेरे में आ गई। पीडीपी ने अब तक बीजेपी को 3 सदमे पहुंचाए हैं। जाहिर है बीजेपी में तो खलबली मचनी ही थी। उसे इस बात का ज्यादा सदमा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने फैसले लेते वक्त उसकी सरकार में मौजूदगी को सिरे से खारिज कर दिया। अब बीजेपी भला लाल पीली हुए बिना कैसे रह सकती थी? लिहाजा 10 लाख के इनामी अलगाववादी के रिहा होते ही प्रदेश बीजेपी के सब्र का बांध टूट गया। पार्टी के प्रदेश इकाई ने तत्काल बैठक बुलाई, सभी विधायक हाजिर हुए और बैठक के बाद पार्टी ने कहा कि मुफ्ती सरकार के इस कदम से वो कोई इत्तेफाक नहीं रखती। पार्टी इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ ले रही है और पार्टी इस डिसीजन से निराश भी है और पार्टी की इस डिसीजन को लेकर कोई सहमति नहीं थी। बीजेपी मुफ्ती सरकार से तुरंत मसरत आलम की आजादी के फरमान को वापस लेने को कह रही है। दलील ये है कि मसरत की आजादी देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मसरत को राजनीतिक कैदी मानने से भी इनकार कर दिया। पार्टी के मुताबिक मसरत आलम राजनीतिक कैदी नहीं बल्कि आतंकवादी है। मसरत आलम कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। मसरत आलम जो है वो कोई राजनीतिक कैदी नहीं है, वो एक खूंखार आतंकवादी था। 90 के दशक में मसरत आलम पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान के कब्जे के जम्मू कश्मीर गया, उसने वहां बंदूक उठाई और बंदूक उठा के वो जम्मू कश्मीर में आया, सोपुर के अंदर आतंकी हमलों में वो शामिल रहा। इस कड़े तेवर के बीच ये तो तय है कि बीजेपी कश्मीर में फंस गई है। अब पार्टी करे क्या? उसे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा भी चलाना है और अपनी केंद्र की सरकार को सवालों से दूर भी रखना है। वैसे केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले पर गहरी चुप्पी साध ली है। माना जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि प्रदेश इकाई पीडीपी पर हमला बोले और केंद्रीय नेतृत्व खामोश रहे। हालांकि मुफ्ती पर तीखा प्रहार करने वाले भगवा चेहरे और भी हैं। पूरे विवाद में वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया भी उतर आए, कहा अगर मुफ्ती पाकिस्तान के एजेंडे पर चले तो उन्हें कुर्सी पर नहीं रहने देंगे, कान पकड़ कर नीचे उतार देंगे। यदि उन्होंने लाखों लोगों के रोजगार शिक्षा के विरुद्ध काम किया है तो मुफ्ती मोहम्मद को विड्रॉ करके माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगते हैं तो मैटर इज ओवर, नहीं मांगते हैं तो यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। बारिश आएगा तो क्या करोगे? छाता निकलूंगा, रेनकोट पहनूंगा, मैं तो ही करूंगा। उधर तीखी बयानबाजी करने में शिवसेना भी पीछे नहीं है। अलगाववादी नेता मसरत आलम को छोड़ने पर मुफ्ती सरकार सीधे शिवसेना के निशाने पर आ गई। मसरत आलम की रिहाई पर बीजेपी की खिंचाई हो रही है। निशाने पर नरेंद्र मोदी और उनका राष्ट्रवाद है। बीजेपी बार बार कह रही है कि इस फैसले से उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन मुफ्ती सरकार उसे मुफ्त में टेंशन दे रही है। दोनों के हित अलग है, वोट बैंक अलग है, बीच में समझौते की सरकार है जिसकी सेहत पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक।